देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे जाने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झाबुआ में भाजपा महिला मोर्चा ने चलाया चुनाव प्रचार के अंतिम दिन महाजनसंपर्क अभियान। इंदौर में इच्छापुर हाईवे पर बस और आयशर की जोरदार भिड़ंत, 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत। पंधाना विधायक राम दंगोरे ने भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ किया जनसंपर्क। निष्पक्ष और निर्भीक चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग और पुलिस ने बढ़ाई मुस्तैदी। धनबाद में दहेज के लिए महिला को चलती ट्रेन से फेंका, महिला की हालत गंभीर। बीजेपी का सबसे सशक्त महिला मोर्चा लोकसभा रतलाम झाबुआ चुनावी समर में किसी भी तरह की कसर छोड़ना नहीं चाहता। भाजपा महिला मोर्चा झाबुआ द्वारा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन महाजनसंपर्क अभियान झाबुआ के मेघनगर में चलाया गया। बीजेपी का सबसे सशक्त महिला मोर्चा लोकसभा रतलाम झाबुआ चुनावी समर में किसी भी तरह की कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। भाजपा महिला मोर्चा झाबुआ द्वारा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन महाजनसंपर्क अभियान झाबुआ के मेघनगर में चलाया गया। जनसंपर्क में बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण महिलाएं सम्मिलित हुई। भाजपा महिला मोर्चा लोकसभा प्रभारी सुशीला प्रेम भाभार, जिला अध्यक्ष आरती भानपुरिया और लोकसभा रतलाम झाबुआ भाजपा प्रत्याशी गुमान सिंह डामोर की धर्मपत्नी सूरज डामोर ने डोर टू डोर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मेघनगर महाजनसंपर्क अभियान में नगर की जनता ने उन्हें खूब आशीर्वाद देकर सराहा। भाजपा महिला मोर्चा की बहनें हाथ में कमल का ध्वज और सिर पर पगड़ी बांधे चल रही थी, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रही। सैकड़ों महिलाओं ने मेघनगर महाजनसंपर्क अभियान में शिरकत की। जनसंपर्क के बाद मेघनगर के साई चौराहे पर नुक्कड़ सभा का आयोजन रखा गया, जहां लोकसभा प्रत्याशी गुमान सिंह डामोर की धर्मपत्नी सभा को संबोधित किया। मोर्चे के द्वारा श्री आरती जी के नेतृत्व में महिला मोर्चे के द्वारा जनसंपर्क और रैली का आयोजन किया गया, नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया और ये माहौल देखकर मुझे लग रहा है, पूरा विश्वास है कि जीत हमारी पक्की है। कितने लाख मतों से जीतने की? निश्चित 2 लाख से ऊपर जाएंगे। संवाददाता भूपेंद्र वर्मंडलिया की रिपोर्ट, HBN न्यूज। खंडवा में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बस और आयशर की जोरदार भिड़ंत में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खंडवा में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बस और आयशर की जोरदार भिड़ंत, 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत। कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए, जिला अस्पताल में जिन्हें भर्ती करवाया गया। निम्बोला थाने के ग्राम झीरी के झांझर डैम के पास की घटना है। खंडवा से बुरहानपुर आने वाली आर्य बस का एक्सीडेंट हुआ। एक महिला 2 पुरुष की मौके पर ही मौत हुई है। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। पंधाना विधायक राम दंगोरे द्वारा भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पंधाना में जनसंपर्क किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के कई लोग मौजूद रहे। पंधाना विधायक राम दंगोरे द्वारा भाजपा की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पंधाना जनसंपर्क किया। कार्यक्रम में भाजपा पूर्व जिला महामंत्री वीरेंद्र चौरे, श्याम गंगराड़े, चुन्नीलाल नेमनानी, परमानंद कुशवाहा, पवन सिंह राजपूत, मनीष सोनी, सत्येंद्र सिंह चौहान, छन्नू लाल गंगड़ा, रणदीप सिंह तवर सभी कार्यकर्ता शामिल रहे। माता जी, अपने क्षेत्र में चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार आपके पास सभी पार्टी के लोग आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए, तो आप इस बार किसको वोट दोगे? हम तो मोदी को देंगे। मोदी जी को क्यों? मकान दिया, फिर शौचालय दिए, बिल बार कम करा, फिर सिलेंडर दिए, गैस। निष्पक्ष और निर्भीक चुनावों को निर्वाचन आयोग और पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। पुलिस ने इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर चेकिंग कड़ी कर दी है। पुलिस की ओर से जिला मुख्यालय से सटी गुजरात की सीमा और शहर में आने वाले रास्तों पर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। निष्पक्ष और निर्भीक चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग और पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। पुलिस ने इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर चेकिंग कड़ी कर दी है। पुलिस की ओर से जिला मुख्यालय से सटी गुजरात की सीमा और शहर में आने वाले रास्तों पर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। इस काम के लिए चेकिंग प्वाइंट पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी तैनात किए गए, जिनकी मौजूदगी में SST और स्थानीय पुलिस की टीम वाहनों की जाँच कर रही है। वाहनों के दस्तावेजों के साथ वाहन में लाए जा रहे सामान की भी जाँच हो रही है। चुनाव को प्रभावित करने वाले सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, इसलिए सघन चेकिंग 3 पॉइंटों पर की जा रही है।
फुलमाल चौराहा महिंद्रा शोरूम के पास और फुटिया रोड। अधिकतर लोग पैसे की लालच देकर कहीं गलत मतदान ना करें, इसलिए और झाबुआ जिले शिक्षित शिक्षा कमी है, इसलिए शराब और रुपये पैसे लोग बांट के मतदान करवाते हैं, ऐसी मतलब आम धारणा है, तो इसलिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय। संवाददाता भूपेंद्र वर्मा नलिया की रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज़। धनबाद के भूली थाना क्षेत्र पांडरपाला में एक महिला को दहेज के लिए चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। महिला जेबा प्रवीण गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती है और जेबा का हाथ और पैर काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। धनबाद के भूली थाना क्षेत्र पांडरपाला में एक महिला को दहेज के लिए चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। महिला जेबा प्रवीण गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती है। जेबा का हाथ और पैर काफी जख्मी हुआ है। मामले की सूचना भूली पुलिस को दी गई। घायल जेबा ने बताया कि उसे उस पति के दोस्तों ने 16 मई को बताया कि उसका पति काफ़ी बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। ये खबर सुनते ही जेबा उनके साथ चली गई। फिर हाथ मुंह बांधे कुछ लोग कपड़ा बांधकर अज्ञात जगह ले गए और धनबाद के रांगाटांड के पास उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया। महिला ने बताया कि उसे हमेशा दहेज के लिए तंग किया जाता रहा है। उससे फिलहाल में फ्रिज लाने के लिए पति और ससुराल वाले दबाव डाल रहे थे, जिससे उसके लिए ये सजा दी गई। महिला के भाई जाहिद ने बताया कि दहेज की बात को लेकर वो समझौता करने कोलकाता से आने वाला था, लेकिन जब वो पहुंचे तो वो अपने ससुराल और मायके में नहीं थी। जाहिद ने काफ़ी खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर बाद में उसे अपनी बहन के घायल अवस्था में मिलने की खबर मिली। फिर उन्होंने वहां जाकर बहन को अस्पताल में भर्ती करवाया और भूली पुलिस को भी मामले की सूचना दी। ट्रेन से आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे आप ट्रेन से? हम कोई मुँह में कपड़ा बांधे हुए थे, कुछ रखा नहीं, और वो भी हमने पहने हुए थे और लाल शर्ट पहने हुए थे, उसका चेहरा नहीं हमको पता। ट्रेन से आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ आपको धक्का दिया ट्रेन से? ट्रेन से दरवाजे पर धनबाद में धक्का दिया। जी हाँ। के लिए जा रहे थे चलती ट्रेन में? जी हाँ चलती ट्रेन में। कौन सा ट्रेन है? क्या नाम हुआ आपका? और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए एचबीएन न्यूज। आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज, जो सच वही खबर।